तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होने चाहिए। सो गाइस आज संडे है, जिसे मैंने कल आपको मोटर लॉक शेयर किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बोला था नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोटर लॉक के बाद, मतलब करजत होगा। करजत के बाद फिर हम लोग एक फार्म हाउस का व्लॉग बनाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो फिलहाल मैं मैंगो फार्म हाउस में हूँ, जो कि ये करजत में मुंबई से काफ़ी नज़दीक में है और काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो बेसिकली ये मतलब एकदम समर है, मैंगो का सीज़न भी है, और तो हम लोग ये जगह एक्सप्लोर करने आए हैं। मैं काफ़ी फ्रेंड्स लोग सब लोग हैं इधर। और फिर यहाँ पे जब आए तो एंट्री में ही मतलब इतने मैंगो ट्री से इतने मैंगो ट्रीज की तो समझा मेरे को यार मैंगो ट्री फार्म हाउस क्यों रखा हुआ है। फिलहाल मैं चल रहा हूँ तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ग्रीनरी कितना मस्त है। तो ये इसका एक्चुअल एंट्री पॉइंट है। तो अंदर काफ़ी एकर्स में इसका ज़मीन है, जो कि बहुत वास्ट है, जिसमें विला दो विला है ग्रुप्स के लिए, जो कि इधर बड़ा फैमिली है या आपका ऑफिस का पार्टी है तो वो भी आप आके बुक कर सकते हैं। तो दो विला है, और कपल्स लोग के लिए स्मॉल कॉटेजेस है, पूल है, गेम्स है, गार्डन है, काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अच्छा है। और उसके अंदर आप देखोगे ना चीकू के झाड़ तो इतने हैं ना कि आप यार यहाँ से आप खाओगे ना, मतलब चीकू के झाड़ इतने हैं कि आप यहाँ से फ्री में लेके जाओ और बेच दो इतना और पैसे कमा लो, इतने सारे चीकू है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें और ये चीज़ मैंगो ट्री फार्म हाउस एक्सप्लोर करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके सारे डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं और मतलब जो कौन मैनेज करता है, इसके डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो इनकेस अगर आप आ रहे हो तो वो कॉन्टैक्ट करो और फिर उनसे कोऑर्डिनेट करो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आओ और अपना वीकेंड अच्छा खासा पीस में एकदम स्पेंड करो। तो फिलहाल आप मैं चलते काफ़ी 5 मिनट हो गया, थकने को आ गया मेरे को। सो फिलहाल मेरे पीछे देखो, अभी मैंने सेकेंड एंट्री लिया है जो कि इसके अंदर से, और मेरे बाजू में सारे चीकू के झाड़ है। अब आपको दिखा दूँ मैं चीकू थोड़ा, ये देखो चीकू, ये सारे के सारे चीकू झाड़े दिख रहे हैं, और इसमें चीकू भी आए हुए। अगर ये सारे चीकू भी आप तोड़ के बेचते हो ना तो काफ़ी पैसे कमा लेंगे, लेकिन ये ओनर का है। तो ये ओनर का है, अपना नहीं है। तो अपन सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने आए, वीकेंड स्टे करने आए, और उसके बाद घर पे जाएंगे शाम को। फिलहाल मैंगो ट्री है तो मैंगोज़ भी है इसके अंदर, काफ़ी मैंगोज़ है। आप देख रहे हो मैंगो इसके अंदर दिख रहा है मैंगो आपको, कितना मस्त मैंगो है। देखो सारे मैंगोस आए हुए, तो ग्रीनरी तो आप देख चुके हैं और मैंगोस भी आपने देख चुका है कितने अच्छे मैंगो, मतलब काफ़ी सारे, इतने सारे कि आप यार आओ और खाओ, फ्री में खाओ, मज़े लो। और चीकू भी इतने और खाओ मज़े लो, लेकिन नहीं जा सकते हो, पता नहीं ओनर देगा या नहीं देगा, बट ठीक है। ये हो गया इसका मैंगो ट्री का एंट्री पॉइंट, जहाँ पे इन्होंने एंट्री में साइड में एकदम काफ़ी सारे मैंगो और चीकू के झाड़ लगाए, जो कि मस्त है, एकदम अच्छा पीस हो रहा है, आप मतलब एकदम पीस फील हो रहा है। और देखोगे आप कोई आवाज़ नहीं, ट्रैफिक का कुछ ये नहीं, पोल्यूशन नहीं, काफ़ी अच्छा है, नज़दीक मुंबई से सबसे बेस्ट। फिर हो गया आपका रिसेप्शन पॉइंट। अगर आप कुछ आ रहे हो यहाँ पे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पेमेंट रिलेटेड चाहिए, तो आपको रिसेप्शन में जाके कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जो मेरे पीछे देख रहे हो आप ये वाला, तो ये रिसेप्शन है जो मैनेज करता है, वो यहाँ पे स्टे करते हैं, रात भर अवेलेबल रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने चेक इन और चेकआउट टाइम भी मेंशन किया हुआ है, तो मैं फ़िलहाल आपको इसका चेकआउट टाइम भी बताता हूँ। अगर ये देखो, ये इसका चेक इन और चेकआउट टाइम है, दिख रहा है। तो इसके अंदर मतलब आपका चेक इन और चेकआउट टाइम में एडजस्ट हो सकता है, वो आप बात करो, कांटेक्ट करो और फिर उनसे मतलब एडजस्टमेंट करो। और ये उसका बैनर है मैंगो ट्री फार्म हाउस। तो ये रहा मेन गेट, जहाँ से एक्चुअल अंदर का बोलते ना, ये तो आपका ट्रैवलिंग हो गया, वहाँ से यहाँ तक उनका ही एरिया था। अब ये एक्चुअल है जो गेट है, ये गेट के अंदर फिर उनका विला है, गार्डन है, पूल है, और फिर पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। आपको दिखा दो पार्किंग एरिया, ये देखो ये पार्किंग है, दिख रहा है ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए, हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए यहाँ पे, और मेरा बाइक भी वहाँ पे ही है। तो ये है पार्किंग एरिया, और आपको मैं इसका
ये दिखाता हूँ, एक विला दिखाता हूँ, जो कॉटेजेस है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, वो सारे दिखाता हूँ। फूड भी काफ़ी अच्छा है, अब आ रहे हो तो फूड का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार कुछ अलग टेस्ट हो गया और कुछ अलग सा आपको फील होगा। तो फिलहाल ये देखो विला इनका, ये बैक साइड है विला का, इसका फ्रंट साइड मैं आपको दिखाता हूँ विला का। तो ये विला दिख रहा है आपको, ये इनका विला एक है, वैसे दो विला है, तो फिलहाल ये इनका एक विला है और ऑपोजिट में मतलब बराबर पीछे वहाँ पे दिख रहा है ये सेम विला है। वो बड़े ग्रुप के लिए, बड़े पार्टीज़ के लिए, फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए है अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो। और फिलहाल मैं गार्डन में वॉक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको स्विमिंग पूल, इनका डाइनिंग एरिया वो भी दिखाता हूँ। सो ये उनका डाइनिंग एरिया है, मेरे पीछे दिख रहा है ये डाइनिंग एरिया। ये मेरी फ्रेंड है अलीशा, आपको मैंने कल मिलाया था। हाय अलीशा, हाय, कैसी है? एकदम बेस्ट, यस, ठीक है। अब उससे आप तो मिल लिए और काफ़ी सी फ़ोटो में भी आप उसे देखोगे। सो डाइनिंग एरिया में फ़िलहाल चल रहा है खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। और ये उन्होंने थोड़ा सा रैबिट वगैरह देखो, मेरे पास किसका तो चप्पल एक है, ऑरेंज कलर का देख नहीं। सो डाइनिंग एरिया मैंने दिखा दिया आपको, अभी हम चलते हैं स्विमिंग पूल की ओर। यस यस, सो ये उनके ओनर है जो मैनेज करते हैं। हेलो, सो इनका डिटेल्स और नंबर वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, आप इनसे ही मतलब यही मैनेज करते, तो इनसे कोऑर्डिनेट करके आपका जो भी चेक इन चेक आउट टाइमिंग का जो डिफरेंसेस है या एडजस्ट करना है वो उनसे कोऑर्डिनेट करके ही आपको पता चलेगा। ये मेरे पीछे स्विमिंग पूल, सो काफ़ी अच्छा खासा स्विमिंग पूल है, क्लीन है, एरिया काफ़ी बड़ा है। आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा है ना कि आप घूमते घूमते कंटाल जाओगे, जैसे मैं चलते चलते थक गया। और उन्होंने छोटा छोटा ऐसा प्रॉप्स वगैरह बनाया है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, मैं थक गया। प्लस मेरे साथ मेरी जो कुकी आई है मेरी बेटी, ये देखो कुकी, सो मेरे पीछे दिख रहा है गार्डन आपको बहुत बड़ा, ये काफ़ी बड़ा गार्डन है फैला हुआ और इसमें गेम्स वगैरह भी है बच्चों लोग के लिए। और फिर देखो यहाँ पे देखो ये जो है ये गेम्स वगैरह भी है, ये उनका ही पैसेज है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कॉटेजेस और ग्रीनरी देख रहे हो आप, ये भी उनका ही है। और काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आके एकदम पीस और रिलैक्स कर सकते हो। सो ये उनका कॉटेजेस है, सो ऐसे काफ़ी बड़ा है कॉटेज, ये देख रहे हो लाइन से पूरा उधर से वहाँ पर तक फैला हुआ है। ये सारे कॉटेज है जो स्मॉल कपल है, मतलब कपल्स के लिए है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब दो जन के लिए ठीक है और एक बेबी है तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप के लिए आपको विला वगैरह ही लेना पड़ेगा। तो ये मैं आपको इनफैक्ट बता मतलब एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ में काफ़ी एकर्स में है, जिसमें बहुत सारे मैंगोज़ के प्लांट है, ट्री है, और जिसमें बहुत सारे चीकू के झाड़ है। और गार्डन वगैरह भी एकदम क्लीन है, फूड भी ओवरऑल अच्छा है, हम लोगों ने ऑलरेडी खा चुका है इसका फूड तो वो भी अच्छा है। तो सो गाइस, मैंने आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर दिया है मैंगो ट्री फार्म हाउस के, जैसे बहुत सारे मैंगोज़ के ट्रीज़ है, चिकू के भी ट्रीज़ है, और फिर इसमें जो है मेन स्विमिंग पूल, जो जिसको काफ़ी लोगों को पसंद होता है कि आप बाहर आओ तो उसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए कि एंजॉय कर सकते, पूल पार्टी कर सके। फिर इसमें विला भी है, दो काफ़ी बड़ा विला है जिसमें आप ग्रुप में मतलब आपका बड़ा ग्रुप है जैसे फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, या तो ऑफिस है तो भी आप यहाँ पर आके बुक कर सकते हो। इसमें छोटा छोटा कॉटेजेस भी है कपल्स के लिए, मतलब काफ़ी सारा कॉटेजेस है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं बोल के ना 15-20 बड़ा कॉटेजेस है। और उसके सामने अच्छा खासा ग्रीनरी जो मैंने आपको शेयर किया वो भी है, और इसका डाइनिंग एरिया भी अलग है। और हाँ, पेट अब इसमें अलाउड नहीं है, ये आपको याद रखने की चीज़ है कि मैंने फिर भी स्पेशल परमिशन लेके अपना पेट अलाउ किया, बट पूल में नहीं। आप बाकी एरियाज़ में आप लेके जा सकते हो लेकिन पूल में नहीं ले जा सकते हो। फूड भी अच्छा है और आप नेगोशिएट भी कर सकते हो इसमें, काफ़ी इतना डिटेल्स नहीं पता मुझे कि आप नेगोशिएट कर सकते हो कि नहीं, लेकिन हाँ जो भी मतलब जो मैनेज करता है वो उसका डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। तो फिर आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, उनके साथ नेगोशिएट करो, उनके साथ आप टाइम चेक इन चेक इन आउट का भी उसमें एडजस्ट हो सकता है, वो भी आप कर सकते हो। सो फिर
फिलहाल इतना सारा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और मुझे यहाँ पे आके ना काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुंबई से नज़दीक है अपना ऑफिस आर से, मतलब वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे आप कर सकते हो, वाईफाई वगैरह भी है, और इनकेस आप दो दिन के लिए या एक दिन के लिए आप बाहर आना चाहते हो थोड़ा मेंटल पीस के लिए तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल इतना ही, और अगर आप अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि अगर आप और भी कुछ मैं एक्सप्लोर करूँगा तो आपके साथ मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।